हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? होप बढ़िया ही होंगे। क्लास 11th का मोल कॉन्सेप्ट हम जेई के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका जो स्टार्ट हो रहा है वो क्लासिफिकेशन से है। मैटर क्या है, मैटर के हम डेफिनेशन क्या देंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मैटर की डेफिनेशन आएगी। तो मैटर क्या? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। तो इस पर बात कर ले हम लोग। क्या मैं मैटर हूं? बिल्कुल हूं जी, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मास ऑक्यूपाई, मेरे पास मास है। जो भी मेरा मास होगा, 80, 20, 85, जो भी होगा, आपका मास होगा 50 kg, तो आप एक मैटर की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या ये मैटर है? हाँ जी है। क्या ये बोल एक मैटर है? हाँ जी है। क्यों? क्योंकि इसने मास कंटेन किया हुआ है, मास है इसके अंदर। तो क्या ये डस्टर एक मैटर है? हाँ जी है। क्लियर ना? ये जो वाटर है इसमें भरा हुआ, क्या ये मैटर है? हाँ जी है, क्योंकि मास है इसके अंदर ना। दूसरी बात, अगर मास है तो इसके साथ और क्या जोड़ना है, जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमारी इस बोतल पहले खाली थी, लेकिन अब इस 1 लीटर की बोतल में 700 ml पानी आ गया, तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। तो मेरे लिए वॉटर क्या हुआ, एक मैटर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। मैं एक मैटर की तरह एग्जिस्ट कर रहा हूं, डस्टर एक मैटर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, ये मार्कर एक मार्कर मैटर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। तो जिसने भी, जिसके अंदर भी मास है, जिसने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, उसको आप क्या बोलने वाले हो जी? उसको आप मैटर बोलने वाले हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, इस मैटर का क्लासिफिकेशन करोगे आप, इस मैटर का क्लासिफिकेशन करोगे। तो जब मैटर का आप क्लासिफिकेशन करोगे, तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन होगा। एक होगा जी फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो मैटर में लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इसके क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ोगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन इन केमिकल क्लासिफिकेशन, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है फिजिकल स्टेट पे बेसिस क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब विच इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, वो क्लासिफिकेशन जो फिजिकल स्टेट पे बेस्ड हो, उसको बोलते हैं जी हम फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन तरीकों से हो जाएगा। एक होएगा जी सॉलिड, जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं, जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं। दूसरा लिक्विड, अभी मैंने आपको पानी की बोतल का पानी दिखाया था, वो लिक्विड जो हम गैस इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, जो मैं इस एनवायरनमेंट में, एटमोस्फियर में फील कर पा रहा हूं, जो मैं इनहेल कर पा रहा हूं, जो ब्रीदिंग कर पा रहा हूं, वो गैस की कैटेगरी में है। केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले सॉलिड के बारे में आप जान ही गए हो कि सॉलिड क्या है। सॉलिड जिसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हों। अगर मैं इस पर्टिकुलर मेजरिंग रिबन को दबाने की कोशिश करता हूं, तो ये कंप्रेस होएगा, उस लेवल पे नहीं होएगा जिस लेवल पे मैं सोचता हूं, जितना मैंने प्रेशर लगाया। तो कुल मिलाकर जो सॉलिड है, अगर मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना चाहूं, तो सॉलिड वो हुआ जिसके पार्टिकल्स वेरी क्लोजली पैक्ड है, ऑर्डरली पैक्ड है। उसके अलावा मेरे पास इस मार्कर के पार्टिकल जैसे कल थे, आज भी वैसे ही हैं, ऐसे कल रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स को फ्रीली मूवमेंट की परमिशन नहीं है, फ्रीली मूवमेंट की परमिशन नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर मैं सॉलिड को फर्दर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पढ़ना चाहूं, केमिकल क्लासिफिकेशन तो हम कर देंगे, लेकिन सॉलिड के बारे में फर्दर जानना चाहूं तो सॉलिड क्या, जैसा कि आप 9वीं 10वीं में पढ़कर आए हो, 11th स्टैंडर्ड की बात हो रही है, थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे तो ये फिर हमारे 12वीं पास के लिए भी वीडियो बन जाएगा। तो जो पार्टिकल से बच्चे सॉलिड में, वो क्या हो रखे हैं, वो क्लोजली पैक्ड हैं, वो क्लोजली पैक्ड हैं इन ऑर्डर्ड मैनर। तो क्लोज पैकिंग जिसके अंदर हो, ठीक है जी, इसके अलावा जो ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स हो वो रैंडम ना हो, वो फुली मैनर्ड हो, वो आपके पास फुली मैनर्ड हो, डिसिप्लिन हो। अब सॉलिड के अंदर हम बात करें तो
तो जो पार्टिकल्स हैं, बड़ा स्लो तरीके से ये वीडियो चलेगा क्योंकि हम 11th का फाउंडेशन रखने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बात को। जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, उनके पास मूवमेंट के लिए कोई फ्रीडम नहीं है, मूवमेंट के लिए कोई फ्रीडम नहीं है। इसके अलावा जो पार्टिकल है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, उनका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या रहता है जी? फिक्स रहता है। अब इसका शेप बदल थोड़ी जाएगा, मैं इसको प्रेशर डाल के इस पे लिख रहा हूं बोर्ड पे, तो इसका वॉल्यूम और इसका शेप बदलेगा नहीं। तो सॉलिड का जो शेप है, सॉलिड का जो वॉल्यूम है, दैट रिमेन्स सेम। थोड़ा आगे चलते हैं जी। बाकी एक बात समझिए कि सॉलिड सॉलिड कब रहेगा। मान लीजिए आपके पास आइस क्यूब है, 0 डिग्री पर है। मान लीजिए आपके पास आइस क्यूब है, पानी आपके आइस आपके पास जो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में कब एग्जिस्ट करती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो होगा क्या, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में जानी शुरू कर देगी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड फॉर्म में जाना शुरू कर देगी। क्लोजली पैक है, हाँ जी है। पार्टिकल्स ऑर्डरली मैनर्ड फॉर्म में अरेंज है, हाँ जी है। क्या आइस के वॉटर मॉलिक्यूल्स को फ्रीली मूवमेंट की परमिशन है? नहीं है। शेप फिक्स है, हाँ जी। क्यूबिक है, जो आप शेप देना चाहें फ्रीजर में इसको फ्रीज करवाकर। वॉल्यूम फिक्स है, हाँ जी, 2, 4, 5, 10 मिलीलीटर का जो उसका फिक्स शेप और साइज होगा। सॉलिड है, हाँ जी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में बदलेगा। तो किसी सॉलिड को सॉलिड फेज से फ्री करना है तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर पे सॉलिड एग्जिस्ट करता है, और हाई प्रेशर, जब प्रेशर आप हाई रखते हैं तो सॉलिड को सॉलिड रखने का तरीका, टेम्परेचर शुड बी लो एंड प्रेशर शुड बी हाई। तो किसी भी फिजिकल स्टेट को अगर आप सॉलिड में बदलना चाहते हैं, चलो सिंपल सी बात है, इस पानी को मैंने आइस बनाना है, तो मेरे पास तरीका बताएं आप क्या है। मुझे जाना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर के पास, मुझे इसको फ्रीजर में डालना पड़ेगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर मैंने कम किया। दूसरी बात, मैं टेम्परेचर को बिना चेंज किए इसको सॉलिड में बदलना चाहता हूं, तो मेरे पास एक तरीका और है, वो है कि मैं इस पर प्रेशर बढ़ा दूं, तो सॉलिड पर अगर सॉलिड कंडीशंस मेंटेन रखना चाहते हो तो टेम्परेचर कम रखो और प्रेशर बढ़ाकर रखो, तो सॉलिड रिमेन सॉलिड की कैटेगरी में चला जाएगा। अब लिक्विड की बात कर लें जी। जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड है, तो गैस भी साथ साथ में कवर कर लेंगे और पिछले नोट्स आप बना चुके होंगे। ये लेस क्लोजली पैक्ड है, ये लेस क्लोजली पैक्ड है, जबकि इधर चले हम लोग गैस के अंदर, यहां पार्टिकल्स के पास फार्देस्ट डिस्टेंस है, सबसे दूर है ये आपके पास फार्देस्ट अपार्ट, ये एक दूसरे से काफी दूर है, यहां लेस क्लोजली। अब यू देख लो ना, आपके अराउंड एयर है और एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूरी पर है, जबकि लिक्विड लेस क्लोजली पैक्ड है। और अगर मैं बात करूं सॉलिड की तो फुली पैक्ड है, वो फुली पैक्ड है। अगर मैं बात करता हूं जी लिक्विड में, नंबर टू, वहां मैंने आपको बताया था कि वहां जो फ्रीडम है मॉलिक्यूल्स के पास, फ्रीडम जो है वो है या नहीं है, लगभग सिर्फ ओसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। यहां लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के पास मूवेबिलिटी है, मूवमेंट है, मूवमेंट्स हो सकती हैं, तो वही हरकत यहां करेंगे। पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड टू द सम एक्सटेंट, कुछ हद तक पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स के पास फ्रीडम है तो आंसर आएगा हां जी है, लेकिन कितनी है? जो सॉलिड है उससे तो ज्यादा है, लेकिन गैस से कम है। और कितनी है आप बोलोगे? ज्यादा नहीं है, सम एक्सटेंट तक, कुछ मात्रा में इसके अंदर फ्रीडम है, जबकि यहां बात करूंगा तो फ्रीडम ही फ्रीडम है और कुछ है ही नहीं। ये सबसे बिगड़े हुए बच्चे जिन पे कोई रोक टोक नहीं है, इन पे कोई डिसिप्लिन नहीं लगता, ये हाईली केओटिक मोड में, ये हाईली रैंडम मोड में, ये हाईली हमारे पास ऐसे हैं जो डिस्टर्ब्ड है, जो इनडिसिप्लिन्ड है, डिसऑर्डर्ड है। तो कुल मिलाकर फ्रीडम ज्यादा होने की वजह से आप इसको क्या कह सकते हो? दीज आर हाईली डिसऑर्डर्ड,
डिसऑर्डर्ड, अगर आप एग्जैक्टली बात को समझे तो, अगर मैं शेप साइज की बात करूं, इनका शेप जिस कंटेनर में डाल दोगे अकॉर्डिंग टू कंटेनर, जो कंटेनर का शेप है, तो कहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, जिस कंटेनर में डालोगे वैसा। हाँ, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, एक लीटर का लिक्विड कहीं भी डाल दो एक लीटर ही रहेगा, जबकि यहां शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या हो गए हैं जी, अनसर्टेन हो गए हैं, अनसर्टेन हो गए हैं। जैसे कि अगर एक लीटर गैस को 15 लीटर के सिलेंडर में भरा जाए, एक लीटर गैस को 15 लीटर के सिलेंडर में भरा जाए तो फैल जाएगी, और एक लीटर गैस को आधे लीटर में भरा जाए तो कंप्रेस होकर वो दब जाएगी। तो यहां गैस के बारे में कह सकते हो शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहेगा। इसको मैं अगर सारे के सारे को इस ग्लास में शिफ्ट कर दूं, ठीक है जी, तो वॉल्यूम मान लो 700 ml और 700 ml का ग्लास हो, तो 700 ml का 700 ml ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर फ्रीडम की बात करूं, कुछ एक्सटेंड तक फ्रीडम है, लेकिन ऐसा नहीं जो पूरी तरह से फैल पाएगा, गैस पूरी तरह से फैल जाएगी। अच्छा जी, जो लिक्विड है इसका एग्जिस्टेंस कब रहेगा? जैसे कि सॉलिड में हमने सीखा था कि सॉलिड का एग्जिस्टेंस कहां रहता है, वेरी लो टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पे। अब हमें कहना पड़ता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट प्रेशर टेम्परेचर पे रहेगा, जबकि यहां हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। कभी अपने घर में रखे हुए सिलेंडर को देखें आप, इसमें हमने प्रेशराइज करके गैस भरी हुई है, वो लिक्विड बन चुकी है, तो प्रेशर हाई रखा, लेकिन सॉलिड से हमने प्रेशर थोड़ा कम रखा, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रखा और गैस में बिल्कुल फ्री कर दिया। बड़ी सिंपल सी कहानी है। हम आइस लेकर चले, हीट दें लिक्विड, और हीट दें गैस, क्लियर, वेपर बन गई, स्टीम बन गई। उसी गैस को प्रेशर दें, बढ़ाएं लिक्विड, और बढ़ाएं सॉलिड, तो कुल मिलाकर हाई प्रेशर पर, लो टेम्परेचर पर सॉलिड, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लिक्विड, थोड़ा सा और हमने टेम्परेचर बढ़ाया और प्रेशर से भी फ्री किया, टेम्परेचर भी बढ़ाया और प्रेशर से फ्री और प्रेशर कम किया, ठीक होगी बात? तो उससे आपके पास वेपर या गैस अपीयर होगी, ठीक होगी कहानी? इस पॉइंट को अपनी कॉपी में उतार लो। अगर हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं तो सेम सबस्टांस के बारे में बात कर रहे हैं, तो होगा क्या, जहां आपके पास सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करेंगे, जहां पानी की आइस और वॉटर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहां आपके पास को एग्जिस्टिंग कोन है, यहां आपके पास सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको आप लोग। उसके बाद जैसी आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो यहां जो कोएग्जिस्टिंग है वो लिक्विड और उस लिक्विड से बनने वाली वेपर। तो मेल्टिंग पॉइंट पर कोएग्जिस्टेंस, फिर मैं कह रहा हूं अगर सेम सबस्टांस की बात करें तब ये चीजें एप्लीकेबल है, और अगर कोई सॉलिड और गैस, ये करेक्टर सबका नहीं होगा, तो सॉलिड और गैस कोएग्जिस्ट कर रहे हो, अगर सॉलिड और गैस को एग्जिस्ट कर रहे हो तो सब्लिमेशन टेम्परेचर होता है। जैसे कि मैं एक बात कर लूं आपसे, पहले तो लिख देता हूं मैं कि वो है क्या, वो सब्लिमेशन पॉइंट जहां सॉलिड और वेपर या फिर गैस को एग्जिस्ट कर रहे होंगे, को एग्जिस्टेंस होगा। जैसे आयोडीन है, सॉलिड है, आयोडीन है यहां गैस है, तो आयोडीन में ये टेंडेंसी है, ठीक है जी। और जहां तीनों फिजिकल स्टेट एक साथ एग्जिस्ट कर रही हो, सॉलिड लिक्विड और गैस, सबका अगर को एग्जिस्टेंस हो जाए, सबका अगर को एग्जिस्टेंस हो जाए तो उसको आप बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, उसको आप बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। अगर सारे के सारे को एग्जिस्ट कर जाएं तो उसको आप बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, सॉलिड लिक्विड गैस अगर को एग्जिस्ट करें। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जहां
मेल्ट हो रहा हो तो सॉलिड लिक्विड है, जहां बॉइल हो रहा हो वहां सॉलिड वेपर या गैस है, जहां सब्लाइम हो रहा हो सॉलिड गैस है, और जहां तीनों को एग्जिस्ट कर जाए उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद केमिकल क्लासिफिकेशन शुरू होने जा रहा है, ठीक है जी। अब हमारे पास है जी केमिकल क्लासिफिकेशन। जो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है उसमें पहली बात है जी प्योर सबस्टांस। तो प्योर सबस्टांस वो हुआ जिसका कॉम्पोजिशन फिक्स रहेगा, जैसे पानी है उसके कॉम्पोजिशन में आप कभी कोई चेंज नहीं कर सकते। वो आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के मिलने से बना है तो बना है, चाहे उसको आप किसी भी सोर्स से इकट्ठा करें। इसको लेकर इसी चैप्टर में हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी बनेंगे, उसमें से कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक लॉ भी आपके पास आएगा। तो देखिए जी, फिक्स कॉम्पोजिशन है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में क्या है, फिल्ट्रेशन कर लो। फिजिकल मेथड में क्या है, क्रोमेटोग्राफी कर लो, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। फिजिकल मेथड में क्या है कि आप कोई डिस्टिलेशन कर लो। तो जैसे ही पानी है, जो बटन मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, इस पानी में से अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालना है तो फिजिकल मेथड, ये नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, इलेक्ट्रोलाइसिस कोई फिजिकल मेथड नहीं है। आप फिल्ट्रेशन करवा के हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर दें, आप फिल्ट्रेशन करवाकर या डिस्टिलेशन करवाकर या फिर इसको सिंपली क्रोमेटोग्राफी करवाकर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दें, वो हो नहीं पाएगा। तो प्योर सबस्टांस कांट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स। जो प्योर सबस्टांस है उसको हम फिजिकल टेक्निक से, चाहे वो आपके पास फिल्ट्रेशन की टेक्निक हो, चाहे आपके पास डिस्टिलेशन की टेक्निक हो या क्रोमेटोग्राफी हो, उससे ये सेपरेट नहीं हो सकता। अब जो प्योर सबस्टांस है, मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, आपको दिख रही होगी। तो एलिमेंट्स मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है। मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूंगा तो हाइड्रोजन के एलिमेंट में हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के एलिमेंट में हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, हीलियम के एलिमेंट में हीलियम के एटम्स होंगे। तो प्योर स्टेट है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो उसको एलिमेंट बोलते हैं आप लोग। कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली टू और मोर, अब जैसे ग्लूकोज की बात करें, सुक्रोज की बात करें, वाटर की बात करें, NaCl की बात करें, वो दो या ज्यादा टाइप के एटम या आयन से मिलकर बनता है। जैसे कि मैं आपसे NaCl की बात कर लूं तो ये दो आयनों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे अगर मैं सुक्रोज ग्लूकोज में से ग्लूकोज की बात करूं तो तीन टाइप के अलग अलग मेरे पास एटम्स से मिलकर बना हुआ है, तो इसको कंपाउंड बोलेंगे। एलिमेंट हुआ जो प्योर सबस्टांस है, कंपाउंड हुआ जो कि प्योर सबस्टांस है। एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास 118 एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड मेरे पास लाखों करोड़ों हैं, जो हमारे पास दो या दो से ज्यादा एटम्स या आयन से मिलकर बनते हैं, तभी एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा। अब हम प्योर कंपाउंड से मिक्सचर की तरफ बढ़ते हैं जी। मिक्सचर में वेरिएबल कॉम्पोजिशन कैन बी सेपरेटेड। अब मान लीजिए आपके पास जैसे वॉटर है, इसके पानी को मैंने शिफ्ट किया इस ग्लास के अंदर, ठीक है जी। इस ग्लास के अंदर शिफ्ट करके मैंने इसके अंदर नमक मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इसको मैंने ये हिलाया तो होगा क्या, एक होमोजिनस मिक्सचर का फॉर्मेशन। वैसे नमक आपको पता होगा 36 ग्राम ऑफ द सोल्ट अप्रोक्सीमेट, जीरो से 25 से 30 35 से भी जाएंगे आप तो 36 ग्राम ऑफ NaCl 100 ml पानी में घुलता है, ठीक है जी। तो ये इसमें कंप्लीटली घुल चुका है, कंप्लीटली घुल गया। मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा एक होमोजिनस सॉल्यूशन। वैसे अब ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, इसको किसी भी पार्ट से आप चेक करें इसका जो टेस्ट होगा वो एक जैसा ही होगा। लेकिन मेरे दिमाग में गया कि मैं इस पानी से नमक अलग करना चाहता हूं, तो कर सकते हैं जी फिजिकल टेक्निक लगाकर। मैं इसी को पानी को वेपराइज करवा दूं, नमक बच जाएगा। जैसा कि हम गोवा जाए वहां मैक्सिमम जो नमक की फार्मिंग है,
नमक की फार्मिंग, हाँ जी, गोवा जाए तो आपको पता चलेगा वहां नमक के खेत बने हुए हैं, तो वाटर को, सी वाटर को एवोपरेट करवा करवा कर वो नमक एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनएसीएल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वेरिएबल कॉम्पोजिशन, हाँ जी, कैन बी सेपरेटेड, बिल्कुल है जी, सेपरेशन हो सकता है, मैंने आपको बताया टेक्निक। ये होमोजिनस है और हिटरोजिनस है। होमोजिनस का मतलब क्या हुआ? होमोजिनस का मतलब हुआ, ये देखिए, बिल्कुल अब वो जैसा था वैसा ही हो गया, पूरी तरह से नमक इसमें घुल चुका है। नमक घुलने के बाद ये अब होमोजिनस हो गया है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका टेस्ट आप कहीं से भी करें, मान लो इस पानी को मैं पी लूं, तो इसका टेस्ट, उसको पीने के बाद अगला चम्मच भी पीऊंगा, नेक्स्ट पीऊंगा, नेक्स्ट पीऊंगा, तो मुझे टेस्ट में ही सेम ही लगेगा। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट है। तो होमोजिनस, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड डेंसिटी थ्रू आउट। इसकी डेंसिटी में इसको 50 टुकड़ों में करके, मैं इसके 50 पीस करके, 50 अलग अलग डिवीजन करके सबकी डेंसिटी चेक करूंगा, तो सब में सेम डेंसिटी मुझे मिलेगी। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड डेंसिटी थ्रू आउट, चाहे नमक पानी में मिला लो, चाहे आप लोग चीनी पानी में मिला लो, बट शुड बी होमोजेन। लेकिन आपको ऑयल नहीं मिक्स करना, आपको ऑयल नहीं मिक्स करना। क्यों? क्योंकि ऑयल हिट्रोजिनस बनाएगा। मिट्टी पानी में डाल दो, सैंड पानी में डाल दो, वो आपको नॉन यूनिफॉर्म बनाएगी, और जो नॉन यूनिफॉर्म होगा वो हिट्रोजिनस की कैटेगरी में जाएगा। होम मतलब सब तरफ सेम, हिट्रो मतलब सब तरफ सेम नहीं है। होमोजिनस, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड डेंसिटी थ्रू आउट, नमक पानी में मिक्स करके मैंने आपको बता दिया है। हाँ, इसी नमक में अगर मैं चीनी डाल दूं तो वो यूनिफॉर्म रहेगी, हाँ, ऑयल डाल दूं तो वो हिट्रोजिनस की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास मिक्सचर्स हुए, जो कि प्योर सबस्टांस मिक्सचर, फिक्स कॉम्पोजिशन, वेरिएबल कॉम्पोजिशन। अब चीनी, अब नमक का मैंने एक चम्मच डाला था, इसमें एक चम्मच और डाल दूं तो टेस्ट में बदलाव हो जाएगा। तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल है, हाँ जी, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स। तो इसका सेपरेशन नहीं हो सकता। पानी के हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप फिल्ट्रेशन से, डिस्टिलेशन से, वेपराइजेशन से अलग नहीं कर सकते, इनको किया जा सकता है। एलिमेंट कंपाउंड है, होमोजिनस हेटरोजिनस है, मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम है, ये एक या एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, वो आयन भी हो सकते हैं। और इसके अंदर होमोजिनस हेटरोजिनस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड डेंसिटी थ्रू आउट, तो उसको होमोजिनस जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिखाया नहीं होगा, तो उसको आप हेटरोजिनस बोलने वाले हो। देखो, इसको आप अलग से नोट करके लिख लीजिएगा, फेज, सिंगल फेज बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यूनिफॉर्म की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा होमोजिनस मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट डेंसिटी में और कॉम्पोजिशन में, तो जो होमोजिनस है, जो होमोजिनस है उसमें सिंगल फेज है, उसमें सिंगल फेज है। लेकिन जो हेटरोजिनस है, जो पिछला हमारा क्लासिफिकेशन था, वो मोर देन वन क्या होएगा, मल्टीपल फेजेस वाला होएगा, मोर देन वन फेजेस वाला होएगा, तो उसको बोलते हैं जी मल्टीपल। वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है, कॉम्पोजिशन में भी और डेंसिटी में भी, कॉम्पोजिशन में भी और डेंसिटी में भी। अब आपका नमक मैंने पानी में मिक्स करके बताया था, वो एक सिंगल फेज का काम कर रहा है, वो वन फेज है। लेकिन अगर मैं पानी में ऑयल मिक्स कर दूं तो वो जो है वो दो फेजेस का काम है। तो फेज क्या हुई, स्टेट है मैटर की, यूनिफॉर्म डेंसिटी में भी और कॉम्पोजिशन में भी। फेज अगर वो यूनिफॉर्म है तो सिंगल फेज का काम करेगी, जैसे होमोजिनस हुए। अगर वो होमोजिनस नहीं है तो मल्टी फेज का काम करेगी, जैसे कि ऑयल प्लस वाटर हुआ, ठीक है जी। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ, एक बार ध्यान से इस पूरे को सुनिएगा। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कि इसको नीट वाले पढ़ नहीं सकते, लेकिन मैं स्पेसिफाइड डेडिकेटेड जो लेक्चर बना रहा हूं वो ये जेई के लिए है। तो आप इस लेक्चर को देखें, आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा। अगला हमारे पास सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांसिस की बात करेंगे, जैसे एक डी लिक्विसेंट आएगा, फिर फ्लोरोसेंट आएगा, हाइग्रोस्कोपी आएगी, वो मैं बात आपसे करने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा है पार्ट 2 में।